सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक है और उनकी दीवानगी पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलती है। इतनी ने दुनिया भर में उनकी भारी फैन फॉलोइंग मानी जाती है। सलमान खान की दीवानगी का आलम ऐसा है कि उनके फैन उन पर मर मिटने को तैयार रहते हैं और ऐसे ही एक फैन की दीवानगी कुछ इस तरीके से नजर आई कि वो सलमान खान से मिलने के लिए 600 किलोमीटर साइकिलिंग करता हुआ चला आया। बताते चले उनका नाम भूपेन है और उनके नाम पहले भी साइकिलिंग का शानदार रिकॉर्ड दर्ज है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि तिनसुकिया के साइकिलिस्ट भूपेन लिक्सन 600 किलोमीटर साइकिल चलाकर कल गुवाहाटी पहुंचे। भूपेन ने बताया कि उन्होंने 8 फरवरी को जागुन तिनसुकिया से साइकिल चलाना शुरू किया था ताकि वह सलमान खान से मिल सके। जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे, सलमान खान फिल्म फेयर अवार्ड्स को अटेंड करने के लिए गुवाहाटी जाने वाले थे। फिलहाल सलमान खान से उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से भूपेन ने 600 किलोमीटर साइकिल चलाकर सलमान खान से मिलने की इच्छा जताई है उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि अगर भाईजान को ये पता चलेगा तो जाहिर सी बात है वो भूपेन से जरूर मुलाकात करेंगे। भूपेन ने 1 घंटे में 48 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहले भी रिकॉर्ड बनाया था और बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने इस दौरान एक बार भी साइकिल के हैंडल को हाथ नहीं लगाया था। फिलहाल उनकी खबर धड़ल्ले से वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर उनकी खबर को काफी ज्यादा वायरल भी किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगर भाईजान सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो इस समय सलमान खान अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर खूब सुर्खियों में छाए हुए हैं। बिग बॉस सीजन 13 के अलावा प्रभु देवा के निर्देशन में बन रही फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर सलमान खान खूब सुर्खियों में छाए हुए हैं। उनकी इस फिल्म को साल 2020 के ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है।